नमस्कार, न्यूज विजन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जालौन में रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। इस रैली के दौरान अमित शाह ने क्या कहा है, समाजवादी पार्टी पर किस तरह के आरोप लगाए हैं, ये हम आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि राम मंदिर बने, ये बड़ा बयान गृहमंत्री अमित शाह ने दिया। राम मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे। सरकार बनने के सपने देख रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो राम मंदिर का काम रुक जाएगा। अमित शाह ने ये बड़ी बातें आज उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दौरान रैली में कही और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। आपने दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर इसको समाप्त कर देखते देखते कुछ ही महीनों में वहां आकाश से भी ऊंचा गगनचुंबी रामलल्ला का मंदिर दिखाई पड़ने वाला है। मित्रों, मंदिर कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया था, अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा, उनको पसंद आएगा, वो तो राह देख कर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, कोई नहीं। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल शर्मा लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे साथ, और एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। निखिल, सबसे पहले कि बीजेपी की तरफ से यह बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया गया है और खुद गृहमंत्री अपनी रैली के दौरान इस तरह की बात करते हैं, ये पूरी खबर क्या है और आखिर अमित शाह को ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? बिल्कुल, एक यात्रा के दौरान उरई जालौन में ये बात अमित शाह ने कही है और निश्चित तौर पर अमित शाह का मकसद ये था कि वो समाजवादी पार्टी को सीधा टारगेट करें। पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का टारगेट समाजवादी पार्टी रह रही है, चाहे वो राम भक्तों की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से पलायन की बात हो या उत्तर प्रदेश में और तमाम मुद्दे हों। जब से अखिलेश यादव ने खास करके जिन्ना को लेकर बयान दिया था, तब से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर हैं। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे अयोध्या तो उन्होंने भी इस बात को बयान दिया था कि ये सरकार है जो राम मंदिर का निर्माण करवा रही है, एक ऐसी सरकार थी जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। वो जब कैराना गए तो उन्होंने हिंदुओं के पलायन की बात की, अमित शाह जब कैराना गए तो हिंदुओं के पलायन की बात की, और आज जब उरई जालौन में थे तो वहां से भी गृहमंत्री ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को टारगेट किया, एक बात बहुत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर कोई मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी ये मुद्दा इस चुनाव में भी चलेगा और जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा पहले में राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी चाहती है कि इस चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा रहे। एनके सिंह सर हमारे साथ है, आपके पास आऊं, लेकिन राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश, क्या आप लोग विकास के साथ साथ राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी इस चुनाव में पैरेलल चलाना चाहते हैं, इस मुद्दे को भी आप भुनाना चाहते हैं क्या? देखिए, राम राज्य का मॉडल विकास का सबसे सर्वोत्तम मॉडल है जो अब तक हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, जाना है। राम राज्य का मॉडल सुशासन का सबसे बड़ा मॉडल है और ये सच है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता जताने का काम केवल और केवल एक राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किया, बाकी कोई राजनीतिक दल इस मसले पर भारतीय जनता राम मंदिर के पक्ष में नहीं बोल पाता था। और ये भी हमने देखा है कि किस प्रकार से कारसेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाने को समाजवादी पार्टी उपलब्धि मानती रही है। ये भी हमने देखा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज होते हुए किस प्रकार से डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कृष्ण जन्माष्टमी पर थानों में जो कृष्ण जन्मभूमि की पूजा हुआ करती थी, कृष्ण जी की पूजा होती थी, उसको रोकने का काम किया गया है। ये देखा है हमने कि किस प्रकार से
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो कैसे कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाया करती थी, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमने न केवल अपने मत मजहब को मानने की सबको स्वतंत्रता दी है बल्कि कानून का ध्वज लागू करने का काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश में सभी लोग अपने मत मजहब को आसानी से मान सकते हैं। अब केवल इफ्तार की पार्टियां नहीं होती हैं जाली टोपी लगा करके, अब इफ्तार की जिसको पार्टियां करना है वो इफ्तार की पार्टियां करें और जिसको नवरात्रि में फलाहार देना हो। लेकिन राकेश त्रिपाठी, सवाल ये है कि जब अब राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो फिर चुनाव में इस मुद्दे को उठाने का मतलब क्या है? आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं। एनके सर, अब जब ये मुद्दा ठंडा हो रहा है और इसकी जरूरत भी नहीं है चुनाव में इसे भुनाने की, तो बीजेपी राम मंदिर का कार्ड खेलकर क्या एक बार फिर से सांस्कृतिक और धार्मिक जो माहौल है उत्तर प्रदेश में और जो वोटर हैं बीजेपी के उनको खड़ा कर रही है? बड़ा सही सवाल है। देखिए, आपका जो सवाल है उसमें बहुत गूढ़ बात यह है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। भारत में जब तक पहचान समूह रहेंगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी, तब तक ये रहेगा। और कोई पॉलिटिकल पार्टी, भारत के संविधान ने बार बार कोशिश की इसको खत्म करने की, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, बीजेपी को भी नहीं है। बीजेपी के भी दुकान में बहुत सारे माल होते हैं, उसमें विकास भी होता है। आपने देखा कि आज ही जो रिलीज हुआ है विकास का, उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश काफी अच्छा विकास कर रहा है, तो एक वो है। लेकिन उसके साथ इसमें मंदिर का छौका जरूर लगना चाहिए, और मंदिर लगना चाहिए। अभी देखा आपने, प्राइम मिनिस्टर ने गाय की भी बात कही, गाय मंदिर ये सारी चीजें रहेंगी, तो उस दुकान में बहुत सारा माल होता है, उसमें एक विकास भी होता है, क्योंकि मंच से आप बगैर विकास के बोलेंगे तो बेमानी लगेगा। तो कई बार विकास की बात भी अमित शाह भी करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, और बीजेपी का लीडर भी करते हैं। लगभग यही स्थिति बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी है। समाजवादी पार्टी भी विकास के बारे में बात करेगी और अन्य चीजों के बारे में भी बात करेगी कि भाई टारगेटेड क्रिमिनल को जो अटैक किया जा रहा है वो टारगेटेड है। उससे उनकी मुराद ये होती है कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इससे वो माइनॉरिटी को अपीस करते हैं। तो ये भारत में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब तक रहेगी, बीजेपी क्या राम राज्य भगवान राम खुद भी आ जाए तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो सकती, ये इसका सत्य है। लिहाजा हम लोग कोई कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए। गृहमंत्री जहां भी बोलेंगे उसमें ये तीनों चीजें रहेंगी, गाय भी रहेगी, राम भी रहेंगे, और विकास का भी एक वो रहेगा, क्योंकि शासन में है तो विकास की बात करेंगे ही। तो बहुत सिंपल सी इसकी थ्योरी है। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मनोज राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीधे सीधे अखिलेश यादव का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर आज गृहमंत्री अमित शाह ने ये निशाना साधा है, कहा है कि अगर अखिलेश की सरकार आती है तो राम मंदिर के काम को रुकवा दिया जाएगा। अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर तैयार हो, राम मंदिर बने। मुझे तो तरस आता है कैसे देश के कैसे कैसे लोग इस भारत के गृह मंत्री बने हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री कैसे रुकवा सकता है? इतना बड़ा झूठ और इस तरीके से सबके सामने बोलना है, सबको मूर्ख समझ रहे हैं। जनता इसीलिए इनको इस बार वापस भेजने की तैयारी में है। इनके सारे विकास के कार्य और सारे जो माफिया की बात करते थे वो सब धुआं हो गए हैं। और ये लोग जो है, ये लोग अब खुद ही इस तरीके की बात करके झूठ और नफरत फैला रहे हैं। ये क्या संभव है? ये क्या संभव है कि कोई व्यक्ति या कोई पद राम मंदिर बनने से रोक देगा? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? ठीक है राकेश त्रिपाठी, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब कुछ हो रहा है तो कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या नेता कैसे इस काम को रोक सकता है? देखिए, आज जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध कर रहे थे। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, इससे राम मंदिर के निर्माण के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल जो पेजेस का ट्रांसलेशन करना था उन पेजेस का ट्रांसलेशन करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का काम किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो जवाबदारी सौंपने का काम किया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उसको पूरा करने का काम किया। और केवल राम जन्मभूमि का मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या को सजाने और संवारने का काम भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता इस बात को लेकर के हमेशा जताती रही है। और हमने आज केवल अयोध्या ही नहीं, हमने काशी हो या विंध्याचल का धाम हो या चित्रकूट हो या नैमिषारण्य हो, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के जो भी स्तंभ थे उनको हमने आज दुरुस्त करने का काम किया, बनाने का काम किया, संवारने का काम किया है। राकेश त्रिपाठी, यही तो बात है कि आपके पास दिखाने को, कहने को, बताने को इतना सब कुछ है, उसके बाद फिर रामलला की याद आखिर क्यों आ गई? एक जल्दी से मनोज जी जवाब दीजिए राकेश जी को, अगर आप जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद एनके सिंह साहब के पास। देखिए किस तरीके का मूर्ख, एक तो देश के गृह मंत्री बना रहा है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने सजाने का काम किया। हाँ, आपने लूटने का काम किया, चंपत राय बंसल को वहां भेज करके 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की आधे घंटे में हो जाती है। आपके मेयर और आपके पदाधिकारी के रिश्तेदार वहां लूट मचाए हुए हैं, धर्म के नाम पर खेल खेलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर आप किए हैं तो फिर चुप रहिए ना, ये तो कौन किसको बता रहे हैं कि आपने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर हुआ तब ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये मूर्ख बनाने का धंधा बंद करिए और धर्म के नाम पे जो जो गरीबों का जो पैसा वहां जिन लोगों ने दान दिया है उनको लूटने का काम कम से कम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए। राकेश, पहले तो ये बहलाते रहे, कार सेवकों पर गोली चलवाते रहे, राम जन्मभूमि पर मंदिर न बनने पाए इसके लिए हर संभव प्रयास करते रहे, और जब राम जन्मभूमि मंदिर बनना शुरू हुआ तो कभी चंदे का विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की, कभी जमीनों पर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की, हर तरीके से कैसे अयोध्या को विवादित रखा जाए, कैसे राम जन्मभूमि पर विवाद उत्पन्न किया जाए, लगातार ये प्रयास करते रहे, लेकिन आपके ये सारे प्रयास विफल है। वहां पर अब भव्य धर्म ध्वजा लहराने जा रही है, भव्य दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने से कोई ताकत नहीं। राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है, ठीक है, एनके सिंह सर, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने इतना काम किया है जिसको वो गिना रहे हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है, और बीजेपी के नेता रैलियों से इसका जिक्र भी कर रहे हैं, विकास का मॉडल भी पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ये बरगला रहे हैं लोगों को, और राम मंदिर के नाम पर तो संघ और बीजेपी की तरफ से लूट हो रही है। सवाल ये है कि रामलला का जो मुद्दा ठंडा पड़ गया था, क्या उस मुद्दे को एक बार फिर से बीजेपी ने गर्म कर दिया उत्तर प्रदेश में? अरे देखिए, एक चीज हम बता दें आपको, मंच से बोलने के लिए राम मंदिर का मुद्दा है, पर इससे अगर ये समझते हैं बीजेपी कि ये सोल मुद्दा होके इनको सारे के सारे हिंदू वोट करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा अब खत्म हो गया। एक यूफोरिया आता है समाज में और वो फेज अब खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अगर उस दौरान चुनाव होता तो अलग बात है, लेकिन अब इसमें 2 साल और हो गए हैं। तो वैसे भी यह मुद्दा करीब 30 साल पहले जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब से यह चल रहा है, तो अब जनमानस में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा यह नहीं है। तो यह सिर्फ एक टेंजेंशियल रेफरेंस के लिए यह करें तो ठीक है, अगर ज्यादा कर देंगे तो इनको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि अब आप उसको रोज यही चर्चा करें, भव्य मंदिर बनवाएंगे, भव्य मंदिर बनवाएंगे। मेरे ख्याल से वो चैप्टर अब खत्म हो गया, कुछ और इश्यूज लाने चाहिए, क्योंकि जितने भी इश्यू ला रहे हैं वो 30 साल पहले अगर गोली चली है तो आज जनता उससे बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होती है, लिहाजा अब अच्छा डेवलपमेंट के मुद्दे अगर आपके पास है, कुछ आपने किया है, क्योंकि रोजगार बेरोजगारी बड़ी है, तो उसको लेके अगर आप बताएं कि आपकी पॉलिसी क्या है और जनता को कन्विंस कर ले, ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से इस समय इलेक्टोरल। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अपने राम भक्त वोटरों को बांध के रखना चाहती है, इसलिए इस तरह की बातें करके और इस तरह का जिक्र करके इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने अपने भक्तों को एक बार, राम भक्तों को, अपने वोटर्स को एक बार फिर से जगा दिया है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी हमारे साथ हैं, राकेश जी हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2022 का महादंगल चल रहा है और जुबानी वार लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में, नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन एक बार निखिल के पास चलते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। निखिल, संक्षेप में जल्दी से बताइए कि आखिर राम भक्तों को जगाने की क्या याद बीजेपी को आ गई है, या फिर कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि राम भक्त सोए ना रह जाएं
और वोट देने के वक्त में उनका वोट छिटक जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास की बात चाहे जो राजनीतिक दल कर ले या जो सत्ता में हो, विकास चाहे जितना कर ले, उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और मजहब सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप आज तक के जितने भी चुनाव देखें उसमें जाति समीकरण और धार्मिक मुद्दे हरदम हावी रहे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या कोई भी दल हो, सबको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आपने कुछ दिनों पहले देखा तो अखिलेश यादव का जिन्ना को लेकर बयान आया और अब बीजेपी का लगातार इस तरह का बयान आ रहा है, चाहे वो राम मंदिर मुद्दे की बात हो, चाहे राम भक्तों की बात हो, चाहे पलायन की बात हो। तो राजनीतिक दलों को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखना है, सियासत बचाए रखना है और राजनीति में बने रहना है, तो कम से कम धार्मिक मुद्दे को उठाना होगा, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसे लग रहा है कि दूसरी बार का चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी जैसे तमाम फैक्टर है, अखिलेश यादव लगातार अपना रथ लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को धर्म के नाम पर अगर टारगेट किया जाए तो उनकी लड़ाई आसान हो सकती है। ऐसा कोर वोट बैंक जो राम के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा जी। लेकिन मनोज राय जी, जो राम भक्त हैं वो तो पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, फिर इस बयान का, इन बातों का ज्यादा फर्क आपकी पार्टी पर, आपके वोटरों पर तो पड़ना नहीं चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन राम भक्त कौन शिव भक्त है, सवाल इस बात का है कि गृह मंत्री को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बाद पहली बार देश की आजादी के बाद किसी नेता को सुनने और देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में बिना किसी सरकारी व्यवस्था से बुलाए रात भर लोग खड़े होकर के देखने और सुनने के लिए आदरणीय अखिलेश जी को लोग इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फिल्म के हीरो हैं, कोई सुपरस्टार हैं अखिलेश यादव जी, न देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लगता है, मन में ये आता है। ठीक है मनोज राय जी, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एनके सिंह सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और निखिल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।